हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी है और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसके छोटे पतले हल्के बाल हैं वो अपने बालों पे बहुत ही सुंदर सा हाई बन, वो भी बहुत मतलब बड़ा हाई बन हेयर स्टाइल बना सकते हो छोटे बालों में भी। तो किस तरीके से करना है वीडियो एंड तक देखिएगा, वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, मेरी व्यूवर्स ने मुझे कमेंट किया है कि मैम छोटे और पतले बालों में मुझे, मेरे बाल भी छोटे हैं और पतले भी हैं, आपने बोला था कि बताएंगे कि कैसे लंबे करने हैं, तो आप आर्टिफिशियल हेयर ले लो डियर और उसको अपने बालों में अटैच करके उसको कैसे लगाना है उसके लिए मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। मेरी बेटी के बॉय कट हेयर है उसमें मैंने लंबी चोटी बना के दिखाई हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। दो तीन वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने बहुत छोटे बालों में लंबी सी चोटी बना के दिखाई हुई है। उसके लिए आपको आर्टिफिशियल हेयर असिस्टेंट जोड़ना पड़ता है, जिससे कि आपके बाल लंबे और घने दिखें। और ऐसे छोटे पतले बालों में मैंने बहुत सारे बन बन वगैरह बताए हुए हैं जो कि आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो वो सारी वीडियोस देखिए और आप ट्राई कीजिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो चलिए हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। तो छोटे बाल हैं एंड पतले बाल हैं, तो आप इस तरीके से हाई बन बना सकते हो जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। आप पार्टी में, शादी में भी इसको ट्राई कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको हाई बन बनाने के लिए हाई पोनी टेल की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से मैं पोनी टेल बना ले रही हूँ और दो क्लचर की मदद से बनाऊंगी, बताऊंगी छोटे पतले बालों में दो क्लचर की मदद से आप ये हाई बन बना सकते हो। तो इस तरीके से मैंने कॉम कर लिया है, बिल्कुल हाई में टॉप पे आप एक पोनी बना लोगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने पोनी बना ली है। अगर आपको अपने बाल ज़्यादा फ्लैट लगते हैं तो थोड़ा थोड़ा इस तरीके से खींच लीजिएगा, जिससे आपके बालों में थोड़ा पफ का लुक आ जाएगा और आपका हेयर स्टाइल है वो अच्छा दिखेगा। और जो बाल खींचते हैं दर्द होता है वो भी नहीं होगा, उसमें भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इस तरीके से आपको रखना है एंड ये दो क्लचर की मदद से मैं बताने वाली हूँ हेयर स्टाइल, देख सकते हो। तो ये दो मेरे पास छोटे छोटे क्लचर हैं, अगर छोटे पतले बाल हैं तो ये ईजिली आपके बालों में लग जाएंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले इस तरीके से बालों को करना है। अगर थोड़े आपके बाल घने हैं तो आप थोड़ा सा बड़ा क्लचर ले लीजिएगा। तो यहाँ पे ऐसे पकड़िएगा कि आपका जो स्कैल्प का हेयर है वो भी क्लचर के अंदर आ जाए। तो एक साइड से तो हमने लगा दिया, अब यहाँ से डायरेक्टली अगर ट्विस्ट कर देते हो आप तो जो हेयर बन है आपका वो साइड में हो जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है, एक बार इस तरीके से हेयर को लेना है। ओके, और जैसे हमने ये यहाँ पे लगाया हुआ है तो सेम यहाँ पे आपको क्लचर को लेना है और हेयर को इस तरीके से, देखिए ध्यान से देखिएगा, ऐसे लेना है और यहाँ पे लेके आना है और ऊपर के हेयर को हटा के जो एक्स्ट्रा हेयर है उसके अंदर क्लचर ऐड कर देना है और सारे हेयर को अंदर की तरफ इन कर देना है और क्लचर को हाइड कर देना है और यू पिन की मदद से इसको सेट कर लेना है। वाह, तो आप देख सकते हो कितना प्यारा सा और बड़ा सा हमारा यहाँ पे बन बन के रेडी हो गया है। आप इस पे यू पिन की मदद से जहाँ से भी आपका जो हेयर, सॉरी, क्लचर दिख रहा हो वहाँ पे आप यू पिन लगा के इसको अच्छे से हाइड कर सकते हो। वाह, इस साइड से देख लीजिए लुक, एंड बैक से, एंड इस साइड से और फ्रंट से कुछ इस तरीके का लुक आएगा। तो कैसा लगा आपको आज का हेयर स्टाइल छोटे पतले बालों में? आप ये बन जरूर ट्राई कीजिएगा। दो छोटे छोटे क्लचर की मदद से आप बहुत सुंदर सा हाई बन बना के रेडी कर सकते हो और यहाँ पे आप फ्लावर ऐड कर दो या फिर बैक में ऐड कर दो या फिर साइड में, बहुत ही अच्छा सा लुक आ जाएगा आपके बालों का। तो आज का जो हेयर स्टाइल था वो यही था कि आप दो क्लचर की मदद से किस तरीके से आप ये हेयर स्टाइल बना सकते हो। तो कैसा लगा आपको हेयर स्टाइल? आई होप कि पसंद आया हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। और भी इस तरीके की हेयर स्टाइल देखनी है, पसंद आती है आपको तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं और भी इस तरीके की वीडियोज आप लोगों के लिए लेकर आ पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट हेयर स्टाइल के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।